महेश बाबू की एक बेहतरीन फिल्म सरकारू वारी पटा। आज की मूवी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। इस मूवी का कॉन्सेप्ट है, बैंक से जो लोग फ्रॉड करते हैं और ईएमआई नहीं भरते, उन्हें ये सीख देता है। मूवी स्टार्ट होता है मही के फादर से, जो एक बैंक में ईएमआई न चुकाने की वजह से बात करते रहता है और उनसे माफी मांग के वापस चले जाता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। इसके बाद वो दोनों रात में ही सुसाइड कर लेते हैं। अगली सुबह जब मही का नींद खुलता है, वह अपने माता पिता को फंदे से टंगा पाता है। इसके बाद उसके घर की नीलामी हो जाती है और एक मास्टर उसे ले जाकर एक ट्रस्ट पे रहने बोल देता है। लास्ट वक्त में उसके पापा 1 रुपए और कुछ खत लिखे हुए होते हैं, जिससे वह पढ़कर बहुत अपसेट होता है। इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और उसी 1 रुपए के सिक्के का वह अपने गर्दन पे टैटू बनवा लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, मही अब बड़ा हो चुका होता है और एक बैंक में अच्छा नौकरी कर रहा होता है। तभी बहुत सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं क्योंकि वह बहुत सारा पैसा रखा होता है। इसके बाद वह सबको लोन के बारे में बताता है और जब गुंडों को पैसा नहीं मिलता वो मही को मारते हैं। इस पे मही गुस्सा होकर उन सबको मारने लगता है। इसी बीच उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और वह इन लफड़ों के बारे में बताता है। धीरे धीरे कर वह एक एक गुंडों को पकड़ता है और अच्छे से धुलाई करता है, जो बहुत ही मजेदार होता है। इसके बाद वह लूटा हुआ सारा पैसा वापस लेता है और फिर बैंक चले जाता है। नेक्स्ट सीन में पोकर का गेम दिखाया जाता है, जहां एक कैसीनो में कलावती गेम खेलते रहती है। वह जीतने ही वाली रहती है तभी उसका बैड लक आ जाता है और फिर वह अपने फ्रेंड लोगों से बात करती है कि नेक्स्ट टाइम जब कैसीनो पे वो जाएगी तो बहुत सारा पैसा जीतेगी, लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत है। तो उसकी एक फ्रेंड सजेस्ट करती है कि वह लोन ले ले, लेकिन कलावती को लोन लेने के लिए सबसे पहले मही को इम्प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वह बिना ब्याज के या तो फिर बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन नहीं देता। नेक्स्ट दिन जब कलावती ट्रेडिशनल लुक पे मही के सामने जाती है तो वो इम्प्रेस हो जाता है और उससे अट्रैक्ट हो जाता है। वह बस का पीछा करते हुए वहां से चले जाती है। मही का असिस्टेंट दूसरे लोगों को बोलता है बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन नहीं मिलेगा। तभी वहां कलावती की एंट्री होती है, जो लोन के बारे में बात करने आई होती है, लेकिन उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, जिससे उसका असिस्टेंट सबको मना कर देता है। लेकिन मही बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के उसे लोन दे देता है और बदले में उसका फोन नंबर ले लेता है। यह देख उसका असिस्टेंट काफी हंसता है। कलावती उन दोनों को एक इमोशनल स्टोरी सुना देती है और अपने आप को एकदम लाचार दिखाती है, जिससे वो दोनों पिघल जाते हैं और यहाँ उसकी चाल काम कर जाती है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ क्लब जाते रहती है। तभी मही उसका पीछा करता है और फिर वह अपना प्लान बदल देती है और फिर एक यूनिवर्सिटी पे चले जाती है, जिससे उसे शक न हो। नाइट के वक्त मही अपने असिस्टेंट से बातें करते रहता है और फिर वह बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कलावती का रूम ऑनर आ जाता है और पैसों के लिए परेशान करता है। इसी बीच मही उसे फोन करता है और ये सब बताती है। इसके बाद मही उसे मिलने बुलाता है और फिर वहाँ कलावती का दुखड़ा सुन एक बार फिर मही पिघल जाता है। उसका असिस्टेंट बहुत बेवकूफ़ी सा बात करता है और वह फिर से पैसे निकाल कर उसके हाथों में दे देता है। कलावती मही को गले से लगा लेती है, जिससे वह और भी अटैच्ड हो जाता है। इस सीन के बाद वह एक कपल के पास जाता है, जहां वो आदमी लोन का पैसा नहीं चुकाया होता। वह उससे पैसा मांगता है तो वह भागने लगता है। वो दोनों फिर से कैसीनो में मिल जाते हैं। यहां मही कलावती को देख लेता है, जहां वो पोकर खेलते रहती है और ड्रिंक्स लेते रहती है। उसका दिल टूट जाता है बेचारा। नाइट में जब कलावती उसे फोन करती है
उसका असिस्टेंट उसे बहुत खरी खोटी सुना देता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों मिलते हैं तब उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और बीच में किशोर मीडिएटर का काम करता है। इस पे कलावती गुस्सा हो जाती है और किशोर को जड़ देती है। उसके बाद मही भी गुस्सा में आ जाता है और कलावती को झापड़ मार देता है। कलावती रोते हुए अपने डैड को फोन करती है जो राजेंद्र नाथ है, और फिर वह अपने गुंडों को वहां भेज देता है जो हेलीकॉप्टर पे वहां पे आ जाते हैं। पुलिस की एंट्री होते ही किशोर मही को लेकर वहां से चले जाता है। इसके बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां मही इंडिया जाते रहता है और अपने असिस्टेंट को बता देता है। एयरपोर्ट में उसकी मुलाकात एक बैंक मैनेजर से होती है जो फ्रॉड केस पे जेल जाने वाली होती है। इंडिया में लैंड होते ही एक ड्राइवर उसका वेट करते रहता है जो काफ़ी कॉमेडी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों से बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। मही अपने कमरे पे जाता है। मही लोकल एमपी राजेंद्र नाथ से मिलने उसके ऑफिस ले जाता है जहां अपॉइंटमेंट के बाद उसे मिलने मिलता है। वह उन्हें बैठाता है और उससे बातें करता है। मही लोन का पैसा वापस मांगता है जो उसकी बेटी ने उससे लिए थे, लेकिन वो उससे मना कर देता है और फिर वह बीच सड़क में उसे रोककर तमाशा खड़ा कर देता है। लोकल एमपी होने की वजह से उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके बाद मही को गुस्सा आ जाता है। राजेंद्र नाथ गन निकाल लेता है जहां पब्लिक उसके फोटोज ले रहे होते हैं, तभी उसका भाई आकर उसे अंदर ले जाता है और उसे मना लेता है। राजेंद्र नाथ अपने ईगो में रहता है और उसे धमकी देता है। वह हंसते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वहां से चले जाता है। नाइट में बारिश के वक्त वह अपने मास्टर से मिलने जाता है जहां वह बताता है कि ईएमआई छूटने के लिए वह दिन और नाइट में दोनों टाइम ड्यूटी करता है। नेक्स्ट दिन मछुआरे उसे मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि एमपी उसे बोल दिया होता है। यहां एक बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलता है जहां मही उन दोनों को बहुत मारता है। इस मूवी की एक्शन सीन वाकई देखने लायक है जहां मही उनके ही औजारों से उन सबको मारता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता वह डंडे से ही सबको पीटने लग जाता है। सबको पीटने के बाद मही राजेंद्र नाथ से फोन पे बातें करता है। इसके बाद वह मीडिया में बता देता है कि मछुआरे गुंडे ही हैं जो एमपी पाले हुए थे। इस मामले को दबाने के लिए वहां के एसपी उनकी मुलाकात करवाते हैं जहां मही काफ़ी एटीट्यूड में रहता है और राजेंद्र नाथ के सामने अकड़ से बात करता है कि उनका लोन वापस कर दिया जाए। इसके बाद वहां सारे मीडिया वालों को बुलाया जाता है जहां कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाता है कि मही जो भी कॉन्फ्रेंस में बोला था वो सब झूठ था और राजेंद्र नाथ बेकसूर है। लेकिन वहीं मही अपने जवाब से पलट जाता है और उसे धमकी देकर वहां से चले जाता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मही राजेंद्र नाथ को फोन करता है और दिल्ली बुलाता है। वहां सेंट्रल जेल में वो किसी से मिलाने वाला होता है। सेंट्रल जेल में और कोई नहीं बल्कि बैंक की मैनेजर होती है जो उस घोटाले की वजह से जेल में पड़ी होती है। एयरपोर्ट में जब मही बैंक मैनेजर को देखता है तब वो बहुत दुखी होती है और उसे जेल होने वाला रहता है। तब उसे सारे घोटाले के बारे में पता चलता है कि गरीब आदमी कैसे ईएमआई के लिए मरते रहते हैं, लेकिन बड़े आदमी ईएमआई को नहीं भरते और वहां से चले जाते हैं। लेकिन राजेंद्र नाथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अलग अलग मिनिस्टर से जाता है और अपनी पहचान दिखाकर वहां से चले जाता है। मही इसके बाद बैंक जाता है और उनके खिलाफ नोटिस मांगता है, लेकिन वहां का मैनेजर बहुत ही कामचोर होता है जो अपना बात मनवाने के लिए इधर उधर की बातें करता है। इस पर मही गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर गुस्सा दिखाता है। मही राजेंद्र नाथ के खिलाफ नोटिस मांगता है कि उसके गिरफ्तार कर लिया जाए और उसका ईएमआई कंप्लीट हो जाए,
लेकिन वह नहीं देता। इसके बाद एक अपाहिज आता है और उस नोटिस को लेकर उसके साथ जाता है, लेकिन राजेंद्रनाथ के घर तक पहुंचने के लिए उसे बहुत से लोगों से गुजरना पड़ता, जो बाइक में मुमकिन नहीं था। इसके लिए वह दिमाग लगाता है और ट्रक से एंट्री होता है। इसके बाद सारे गांव वाले वहां से भागने लग जाते हैं और ट्रक से वह रास्ते में जो भी आता है उन सबको उड़ाते हुए आगे बढ़ता है। यहां ट्रक्स में ईंट भरे होते हैं, उस टक्कर को मारकर वह आगे बढ़ता है और महल तक पहुंच जाता है। महल में उसके बॉडीगार्ड्स उसका वेट करते रहते हैं। वहीं सबको मारते हुए उसके महल के अंदर चले जाता है और उस मैनेजर से नोटिस पढ़वाता है। इसके बाद इस सीन के बाद कलावती भी इंडिया वापस आ चुकी होती है, जो अपने अंकल के साथ मही को मनाने और उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वापस लेने की प्लानिंग कर रही होती है। लेकिन मही बहुत चालाक रहता है और अपने मतलब के लिए कलावती को यूज करने लग जाता है। मही बार बार सुपर राजू को फोन करता है और उसे काम करने के लिए बुलाता है। सुब्बा राजू और कलावती की चाल मही के सामने बिल्कुल भी काम नहीं करती और उन दोनों ही हंसी के पात्र हो जाते हैं। यहाँ कलावती एक नौकरानी की तरह काम करती है, लेकिन उसे मही की आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि सोने के टाइम उसकी माँ उसे पैर से दबाती है। अब कलावती सच में मही से प्यार करने लग जाती है। वह अपने अंकल को इसके बारे में बता देती है, लेकिन वहीं बैंक से पता चलता है कि राजेंद्रनाथ का कोर्ट में स्टे लग गया होता है, जिसे ईएमआई या लोन के बारे में कोई टेंशन नहीं होता। इसके बाद राजेंद्रनाथ मही को फोन करता है और अपने पहुंच के बारे में बताता है। इसके बाद कलावती मही के पास आती है और बहुत सारे चेक उसे दे देती है कि जितना चाहे वो उससे पैसे निकाल सकता है। इसके बाद कुछ ईएमआई कलेक्ट करने वाले लोग मास्टर को परेशान करने लगते हैं, जिसे देख मही गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने लगता है। जब वह सबको पीट देता है तो वह बोलता है, छोटे लोगों से सब ईएमआई के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों से जाकर कोई बात नहीं कर सकता। ये हरकत देखकर जो भी आस पड़ोस वाले होते हैं वो मही को इधर उधर की बातें सुनाते हैं, लेकिन जब मही जवाब देता है उन सबकी बोलती बंद हो जाती है और सबको वही सही लगने लग जाता है। इसके बाद एक रिवॉल्यूशन जैसे होता है, जिसमें सभी लोग अपना पैसा बैंक से निकाल लेते हैं और बोलते हैं, जब तक बड़े स्कैम वाले बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे तब तक हम अपना पैसा जमा नहीं करेंगे। इसके बाद मिनिस्टर्स को भी हार मानना पड़ता है और उसे फोन कर राजेंद्रनाथ को पैसे वापस करने के लिए बोलना पड़ता है। पुलिस वाले मही को राजेंद्रनाथ के पास ले जाते हैं, जहां वह मही को मारने लगता है। इसके बाद एक पुलिस वाला उसे छोड़ देता है। नेक्स्ट दिन देखते हैं सारे बैंक्स में 1 रुपए वाले सील के साथ ताला लगा होता है। एक बैंक में अंदर मही इंतजार कर रहा होता है, तभी राजेंद्रनाथ के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और वह पैसे की बात करते हैं। जब वह नहीं मानता, मास्टर को पकड़ लेते हैं और उससे पैसे निकालने के लिए बोलते हैं। इस पर मही गुस्सा हो जाता है और उन्हें चैलेंज करता है कि दम हो तो निकाल के दिखाओ। इसके बाद एक बेहतरीन फाइट सीन होता है, जहां मही चाबी के गुच्छों से उन गुंडों को मारने लगता है और फिर सभी गुंडों को मार के वहां से भगा देता है। इसके बाद राजेंद्रनाथ गन लेकर वहां पब्लिक के बीच पहुंच जाता है। पब्लिक में जब एक आदमी को गोली लगती है, वह सभी के से मार खाने लग जाता है। इसके बाद मही उसे बचाकर दूर ले जाता है। लास्ट में राजेंद्रनाथ को रियलाइज हो जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो गलत था। नेक्स्ट दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना गलती एक्सेप्ट कर लेता है और फिर सभी ठीक हो जाता है। इस न्यूज के बाद बैंक मैनेजर को जेल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद मही से मिलती है और फिर उसे पूछती है कि ये सब उसने क्यों किया। वह बताता है, बचपन में वही बैंक मैनेजर उसके घर की नीलामी कर दी है, जिससे उसके बाबा आत्महत्या किए होते हैं और मूवी खत्म होती है।